हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रफुल और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गुड़गांव में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आ सकता है और अगर आप चीप ऑप्शंस के लिए देख रहे हो तो आपको लगभग कितनी कॉस्ट पड़ेगी। सो बेसिकली आई वर्क इन डिलॉयट गुड़गांव एंड यहाँ पर मैं एक पीजी में रह रहा हूँ और वो भी बिल्कुल सेपरेट रूम में। सो मैं किसी के साथ पीजी शेयर नहीं कर रहा हूँ, तब भी मुझे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो यार, मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पीजी नहीं चाहिए था, मुझे एक अफोर्डेबल पीजी चाहिए था बिकॉज मेरे को ऑफिस पूरे महीने में मुश्किल से एक सप्ताह आना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम टाइप का प्रोजेक्ट है, तो ज़्यादा उसमें ऑफिस नहीं जाना पड़ता। तो मुझे एक ऐसा पीजी चाहिए था कि अगर मुझे थोड़ा बहुत आना जाना पड़े तो ज़्यादा तो नहीं आना पड़ता, तो थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो और ऐसा भी ना हो कि मुझे खराब लगे, खाने की क्वालिटी अच्छी ना हो, बिकॉज आई एम बिग फूडी, तो मुझे खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए और मुझे प्राइवेसी भी चाहिए। सो उसके लिए मेरे को सेपरेट रूम भी चाहिए था, तो मेरे को उस हिसाब से एक पीजी चाहिए था। तो लास्ट में मैं इस वाले पीजी में स्टे हुआ हूँ जिसका आपको मैं टूर देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे रूम में एंट्री होती है, इस गेट को मैं अभी लगा देता हूँ, फिर आपको एक पूरा रूम का टूर देता हूँ, ठीक है। सो देखो, ये मेरा एंट्री गेट है जहाँ से मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद ऊपर इसमें ग्लास एरिया दिया हुआ है, अगर बाहर से थोड़ी बहुत लाइटिंग उससे आती रहती है, जिसको रात को मैं बेसिकली ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके साइड में कूलर दिया गया है और कूलर के साथ ये पूरी विंडो है, ठीक है। तो इस विंडो को मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को यूज़ नहीं करना है तो ये क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। तो कूलर के ऊपर भी आप देख सकते हो, कूलर के ऊपर भी ग्लास एरिया दिया हुआ है और ये मेरा कूलर है। देखो, थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप लगेगा बट अभी मैं आपको कॉस्ट वगैरह बताऊँ तो ये ओके है, मतलब वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास दिया हुआ है, उस ग्लास में आप देख सकते हो, उस ग्लास में अगर हमको देखना है अपने आप को तो हम देख सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पर मेरे शूज़ वगैरह रखे हैं और ये एक ऑफिस चेयर दी हुई है। सो, इस ऑफिस चेयर का मैं कोई यूज़ नहीं करता, छोटा मोटा सामान इस पर रख देता हूँ मैं, बाकी कुछ खास यूज़ नहीं करता। बगल में मैंने अपना बैग रखा हुआ है और वाटर बॉटल्स, और उसके साइड में यहाँ पर चार्जर प्लग्स दिए हुए हैं जिससे चार्जिंग वगैरह हम कर सकते हैं। और ये है फिर मेरा डबल बेड, तो ये मेरा डबल बेड वाला मैंने रूम लिया है जिसमें डबल बेड है टोटल, ठीक है। तो दोनों बेड्स पे, जिससे मैं वर्क करने में इजी पड़ता है, तो दोनों बेड्स पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, कहीं पे सामान रख लेता हूँ और कहीं कहीं पर कहीं लेटना हो बैठना हो तो बाकी दूसरे बेड का यूज़ वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जिससे काम आसानी से हो जाता है, दोनों मेरे लैपटॉप रखे हुए हैं और चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। दो पिलो हैं और दो ब्लैंकेट और एक चद्दर मुझे मिला हुआ है, तो इसका भी एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो, ये मुझे डबल बेड दिया गया है और ऐसा मेरा कुछ रूम लगता है। एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा मेरा एंट्री गेट, यहाँ पर कूलर दिया है और ये डबल बेड, चेयर, ऊपर फैन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पर एक बल्ब है और दैट्स इट, दिस इज़ माय रूम। और इसमें इसके अलावा यहाँ पर मुझे मिला है 3 अलमीराज, तो मोर देन इनफ है बिकॉज पूरे रूम में अकेला मैं ही रह रहा हूँ, तो 3 अलमीराज तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है जिसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर है हैंगर जिस पर हम कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं, कपड़े वपड़े जो भी सुखाने हो रखने हो तो हम रख सकते हैं। ऊपर सफोकेशन हटाने के लिए छोटी सी खिड़की दी गई है और ये रूम का दूसरा गेट है जिससे बाहर आप देखोगे तो अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये छज्जा सा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज मैं रात को शूट कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पर अलमीरा हो गई और यहाँ पर एक और विंडो दी गई है, ये है वॉशरूम से सफोकेशन हटाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको ले चलते हैं वॉशरूम में। सो आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं एक बार। सो यहाँ पर वॉश बेसिन है, ब्रश वगैरह करने के लिए छोटा सा वॉश बेसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शॉवर दिया हुआ है, ये शॉवर दिया हुआ है, नीचे टैप है, टैप का यूज़ पता ही है सबको क्यों करते हैं, और ये हमारा टॉयलेट। सो छोटा सा बाथरूम है, ये भी आप देख सकते हो, छोटा सा बाथरूम है, ओके। सो दैट्स इट। तो खाने की बात करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो देखो, अनलिमिटेड वाईफाई है, वाईफाई मैं यूज़ कर लेता हूँ और वाईफाई की स्पीड काफ़ी बढ़िया आती है। और वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, तो वॉशिंग मशीन का यूज़ कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, वो भी मतलब अपने हिसाब से, अगर फ्री है वॉशिंग मशीन तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है और जिस हिसाब से रूम का साइज़ है उस हिसाब से कूलर की एयर काफ़ी सफिशियंट आती है, तो मतलब गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने ऑफ कर रखा है और कोई एडिशनल चार्ज नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी का, तो जितना इसका रूम का रेंट है उसी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। डेली इसकी सफाई होती है, डेली क्लीनिंग के लिए इसमें मेड आती है। और क्या है, आई थिंक, और बाकी कपड़े टांगने वगैरह के लिए जब आप वॉश कर लेते हो तो बाहर ऑप्शन दिए गए हैं, इतना तो नॉर्मल होता ही है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, इतने ही फीचर्स हैं। और अब इसके मैं फूड की बात करूँगा और देन हम रेंट की बात करने वाले हैं।
फूड में दो से तीन टाइप का मील है, तो देखो सैटरडे संडे तीन टाइम का मील मिलता है और वीक डेज में टू टाइम्स का मील मिलता है, और अगर आप चाहते हो कि आपको लंच भी चाहिए तो बेसिकली ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है। अगर आप चाहते हो कि लंच भी आपको चाहिए तो आपको लंच भी मिल जाएगा, बस आपको दो घंटे पहले बता देना होता है कि आज हमें लंच भी चाहिए, ठीक है। तो फूड ऑप्शन के लिए क्या रखा हुआ है कि फूड ऑप्शन के लिए नीचे ही एक किचन है, मतलब छोटी सी आप मैस बोल सकते हो, वो मैस वाला ऑप्शन है, तो उसमें जाके हमको खाना होता है, ठीक है। तो चार्जेस क्या है उसके, फूड के चार्जेस बताता हूँ आपको। तो जो ब्रेकफास्ट है वो 30 रुपीज़ में अनलिमिटेड, लंच 60 रुपीज़ में अनलिमिटेड और डिनर 60 रुपीज़ में अनलिमिटेड। तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, जब तक आपका पेट नहीं भरता खाओ। जैसे और ब्रेकफास्ट वगैरह में क्या मिलता है तो आपको बता देता हूँ। ब्रेकफास्ट में जनरली मैंने डोसा खाया है, इडली खाई है, आलू के पराठे खाए हैं, पोहा खाया है, मैगी खाई है। सो ऐसी चीज़ें ब्रेकफास्ट में मिलती है जनरली, और आप कितना भी खा सकते हो जितना आपका मन करे। और लंच डिनर में हमारी नॉर्मल सीजनल सब्जी भी मिलती हैं, राजमा छोले, लेकिन प्योर वेजिटेरियन मिलेगा तो पूरा वेजिटेरियन ही है। सो ये सब मिलता है हमको नॉर्मल, मतलब खाना भी ऐसे ही मिलता है। और अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी दोनों की ही बहुत 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 अच्छी है, मतलब 60 रुपीज़ के हिसाब से आपको क्वालिटी A1 लगेगी खाने में, कोई भी मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब अनलिमिटेड भी है। और अगर आप खाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि फूड क्वालिटी लो है या फिर जो वेजिटेबल्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो फूड क्वालिटी वगैरह पीजी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं बात करूंगा इसके रेंट के बारे में, बट रेंट बताने से पहले एक चीज़ जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि ये उद्योग विहार फेज 5 के काफ़ी पास है, सेक्टर 17 में मैं रह रहा हूँ, और यहाँ से केवल 10 रुपये लगते हैं और ऑफिस भी काफ़ी नियर बाई है, तो ऑफिस के काफ़ी पास की लोकेशन है, तो ज़्यादातर जो आसपास की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। सो उस हिसाब से आप इस चीज़ को समझना कि गुड़गांव में मैं रह रहा हूँ और बिल्कुल पास रह रहा हूँ, वो भी सेपरेट रूम में, तो मैं कितना चार्ज दे रहा हूँ, तो वो अब मैं आपको रेंट क्लियर करता हूँ। तो देखो ये डबल बेड का रूम है, तो मैं बेसिकली डबल शेयरिंग पीजी में रह रहा हूँ, बट मैंने पूरा ये ले रखा है इसलिए मेरे को इसका कॉस्ट पड़ता है 7,000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको डबल शेयरिंग में रह सकते हो, अगर आप डबल शेयरिंग में रहोगे तो वहीं आपका कॉस्ट इसका पड़ेगा रूम का 3.5K, मतलब 3,500 रुपये, तो काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब केवल 3,500 में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं विदाउट फूड। अब अगर मैं फूड की बात करूँ तो देखो, अगर आप फूड ऑप्शन ले रहे हो पीजी में, तो जो आपका लंच और डिनर है वो 60 रुपीज़ का होता है और जो ब्रेकफास्ट है वो 30 रुपीज़ का होता है। अब आप जितने भी टाइम मील ले रहे हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने टाइम का मील ले रहे हो, ठीक है। सो जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरली वीक डेज में हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर ही खाते हैं बिकॉज लंच हमारा ऑफिस में होता है, तो 90 रुपीज़ के समथिंग हमें कुछ वीक डेज का पड़ता है। और ओवरऑल अगर आप मंथली काउंट करो तो आपको 3,000-3,500 में आपका निपट जाएगा काम, ठीक है, फूड से। तो अराउंड ये आपको लगभग 7,000 का ही पड़ेगा, तो 7,000 में इंक्लूडिंग फूड पड़ेगा आपको अगर आप डबल शेयरिंग में रह रहे हो। अब जो मैं कितना पे कर रहा हूँ, मैं सिंगल शेयरिंग में रह रहा हूँ तो मेरा रेंट है 7,000 रुपये, और फिर मैं मील्स के हिसाब से पे करता हूँ, तो अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो 30 रुपये पे करता हूँ, और अगर लंच डिनर ले रहा हूँ तो मैं 60 रुपीज़ पे करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को इसका कॉस्ट पड़ता है। मतलब अगर आप मान लो तो मंथली लगभग 11,000 का मुझे पड़ता है इन सेपरेट रूम, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट रूम में रह रहा हूँ। और फीचर्स भी ठीक ठाक है, मतलब मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं है एक आध पीजी देखा हो, मैंने बहुत सारे पीजी देखे थे, सो अफोर्डेबल और फूड क्वालिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट पीजी है, सेक्टर 17 सुखराली में है, और संपूर्ण पीजी करके इसका नाम है। अगर आप चाहो तो ओनली बॉयज़ पीजी है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।